फाइल कराकर जालिमों को सजा दी जाए और उस बच्ची के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम दूसरी पार्टी के लोगों से भी कहें कि जो लोग अकलियतों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट के अपने हकदार समझते हैं, अब तक उनके तरफ से चुप्पी ये संकेत देता है कि वोट के दिनों में तो हम सब याद आते हैं, लेकिन जब उनकी बारी निकल जाती है तो फिर हम उनसे याद नहीं करते। ये वक्त बड़ा अफसोस है। अब तो आप लोगों को साझेदारी करनी पड़ेगी, वो जुमले हमारे, हम लोग पंचतन है, फाइव स्टार है, हम लोग के जुमले लिखने पड़ेंगे। अब आप लोग, हम लोगों के पास जुमला होगा, दूसरे के पास होगा नहीं। दर्द में दर्द की आवाज किसी के पास है नहीं, आप समझिए दर्द की आवाज हमारे सभी लोग हैं। दो तीन भाई हैं, भाई जनाब ये रस्ती साहब है, भाई हरदार नेमी साहब बेहतर है, समझिए। और एक दूसरी बात इस खबर से अलग ही देंगे कि हम लोग जो सीमांचल की इस खबर से अलग, अगर दूसरी खबर में सीमांचल, सीमांचल चीख रहे थे, सीमांचल जनता के बड़े आभारी, सीमांचल के दर्द को जनता ने उसकी दवा के लिए इंजीनियर लोगों को, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं, आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं, इश्तियाक अहमद साहब हैं, तो सीमांचल की जो लड़ाई शुरू की थी 2015 के 16 अगस्त को, हम लोगों को आज़ादी के एक दिन बाद 15 अगस्त देश की आज़ादी और 16 अगस्त देश के अंदर में सीमांचल को हुकूक की लड़ाई का आगाज जो बिरसा सूर्य वैसी ने किया था, आपने सुना होगा कि अब दूसरे नेता जिनको सीमांचल कभी काबू में भी नजर नहीं आता, सीमांचल का नाम लेने पर मजबूर हो गए। और आज के दिन में जबकि किसी भी मुस्लिम अकलियत के किसी एक आदमी को मंत्रिमंडल में न देकर लोकतंत्र में ये बता दिया गया है कि सबकी साझेदारी नहीं है बल्कि विशेष लोगों की साझेदारी की सरकार है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीमांचल का डर और खौफ सता रहा है सत्ता पक्ष को भी कि मजबूरी में भी कम अज कम सीमांचल में उप मुख्यमंत्री का मुकाम उनको देना पड़ा है। और ये सीमांचल के लोगों की बेदारी का एक बड़ा सबूत है। अब दिल्ली में पटने में बैठे हुए लोगों को सीमांचल की लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जोकी वाले घटना पर विधायक पर आपके विधायक लोकतंत्र में तो बाप और बेटा भी अलग अलग पार्टी में इलेक्शन लड़ते हैं। लोकतंत्र में जीत और हार का फैसला जनता करती है, न डंडा न बंदूक न बारूद न पैसे से हो सकता है। दोनों भाई मैं समझता हूँ कि जो घटना घटी है ये नहायत ही अफसोसनाक घटना है और इस घटने से सरफराज साहब के इमेज को कितना नुकसान पहुँचा होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के उस्ताद जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है कि जिन्होंने सीमांचल को समेट कर एक लड़ाई लड़ने के लिए सब लोगों को जोड़ने का काम किया, आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनके बेटे अपने घर में ये हरकत करें, मैं समझता हूँ ये कहीं से उचित नहीं है। खासकर छोटे भाई, उनको एक बड़ा मकाम दिया गया था, बड़े मकाम के लिए छोटे भाई ने भी कोशिश की थी और आज छोटे भाई के साथ उसने ऐसा किया है जैसा कुछ हम लोगों ने सुना है, ये अफसोस है।